हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष तिवारी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम हैं SAS हुंडई में और हमारे पास है हुंडई टिसोन। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपके सामने यहाँ पर हुंडई टिसोन का टॉप एंड वेरिएंट सिग्नेचर एंड ये पेट्रोल वेरिएंट है। एंड यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें इसके ये ग्रिल की, तो पूरा ये आपको डार्क क्रोम में मिल जाता है। एंड इसका लोगो भी कुछ उसी टाइप से ही दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको DRL मिल जाती हैं। एंड ये भी आपका डार्क ग्लास यूज़ किए गए हैं। इधर इधर आपके लाइट्स हैं। एंड यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। तो फोर पार्किंग सेंसर्स कुछ इस टाइप से मिलते हैं। नीचे इधर स्किड प्लेट मिल जाती है यहाँ पर। एंड इसके अलावा इधर आपको एडास मिल जाता है। एंड इसमें आपको लेवल 2 एडास मिलता है। एंड देन अगर साइड की बात करें यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको इसका साइड लुक मिलता है। इसके बाद इसकी अगर लेंथ की बात करें तो आपको 4630 mm की इसकी लेंथ मिलती है। एंड हाइट 1665 mm की मिलती है। एंड अगर इसकी विड्थ की बात करें तो 1865 mm की आपको इसकी विड्थ मिल जाएगी। एंड 2755 mm का व्हील बेस मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्रीजेस वगैरह इसमें दी हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इस जगह पर ये पूरा ब्लैक में आपको दिया हुआ है। एंड यहाँ पर अगर ORVM की बात करें तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको LED टर्न इंडिकेटर सिग्नल्स मिल जाएंगे। एंड नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर इसमें मिलेगा। एंड कुछ इस टाइप से है इसका ORVM। एंड यहाँ पर आपको LED मिल जाएगा। अगर डोर वगैरह ओपन करते टाइम पीछे कोई है, कुछ आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो उस चीज़ का आपको यहाँ पर अलर्ट मिल जाएगा। देन स्मार्ट कीलेस एंट्री मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पर व्हील्स की, तो कुछ इस टाइप से डिज़ाइंड इसके अलॉय व्हील हैं। एंड इसमें ब्रेक्स आपको चारों ही जो है डिस्क ब्रेक मिल जाएंगी। एंड अगर यहाँ पर टायर साइज़ की बात करें तो 235/60R18, तो 18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। काफ़ी बड़े से हैं जो कि इस SUV पर काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं। एंड अगर यहाँ पर दिखाऊँ मैं आपको, तो ये कुछ इस टाइप से आपको इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो कुछ इस टाइप से है हुंडई टिसोन का रियर का लुक। यहाँ पर आपको टिसोन की बैजिंग मिल जाएगी। इधर हुंडई का लोगो। एंड ये पूरी कनेक्टेड टेल लाइट आपको इधर से लेकर एंड टू एंड मिलती है। एंड कुछ इस टाइप से पूरा यहाँ पर आपको इसके रियर लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर नीचे आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। एंड ये आपकी कुछ इस टाइप से डार्क सिल्वर में स्किड प्लेट मिल जाएगी। एंड इधर भी डार्क क्रोम कुछ यूज़ किया हुआ है। एंड यहाँ पर आपका रियर डिफॉगर मिल जाता है। ऊपर शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स कुछ मिल जाती हैं। यहाँ पर ये यह आपका स्पॉयलर है। एंड इसके साथ साथ ही यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया हुआ है। अब बात करें इसके बूट स्पेस की, तो 540 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। एंड ये आपका इलेक्ट्रिक टेलगेट इसमें मिलता है आपको। एंड काफ़ी बड़ा सा ये बूट स्पेस है। यहाँ पर आपको लाइट वगैरह दी हुई हैं। एंड इधर थोड़ा सा हुक वगैरह दिए हुए हैं, तो आप इधर थोड़ा बहुत अपना सामान लगा सकते हैं। एंड कुछ इस टाइप से आप यहीं से इसकी सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर इसके स्पेयर व्हील की, तो ये भी आपको अलॉय व्हील ही दे दिया हुआ है। एंड सेम साइज़ में ही है। एंड इधर भी आपको सेम चीज़ें मिल जाती, तो आप यहीं से मिडल सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पर पार्सल ट्रे कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगी। एंड इधर बताऊँ तो यहाँ पर आपको एक हैंडल दिया हुआ है। एंड ये जस्ट बटन के प्रेस से आप इसके टेल गेट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। एंड इस जगह पर आपको कैमरा मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आप रियर सीट्स के बारे में। यहाँ पर कुछ SAS का डोर ट्रिम है। यहाँ पर ब्लैक एंड बीच का कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है। एंड ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपका ये हैंडल जो है ये भी सिल्वर सार्टन फिनिश में दिया हुआ है। इधर आपका विंडो के लिए कंट्रोल एंड नीचे बॉटल होल्डर दिया हुआ है। तो काफ़ी छोटा सा यहाँ पर स्पेस है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड इधर आपको
स्पीकर मिल जाएंगे। देन सीट्स की बात करें तो पूरा यहाँ पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, एंड इस तरह से कुछ यहाँ पर आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे, एंड तीनों पैसेंजर्स के लिए ही ये हेडरेस्ट दिए हुए हैं। एंड स्पेस को लेकर आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई भी कमी फील नहीं होगी। एंड रियर सीट्स का भी रिक्लाइन एंगल जो है एडजस्ट किया जा सकता है। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो किसी भी तरह से पैर वगैरह फैलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड बीच में भी जो आपका सेंटर हम्प होता है ये भी बहुत कम है, तो जो बीच में पैसेंजर बैठता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर आपके रियर एसी वेंट्स हो जाएंगे, यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट दो मिल जाएंगे, एंड सेंटर में आपको आर्मरेस्ट ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर पैक्ड है तो इसको मैं ओपन नहीं करूँगा। एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको रियर में सीट बेल्ट वगैरह मिल जाएंगी। एंड इसके बाद अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाएंगी एलईडी में, इधर हुक है एंड यहाँ पर हैंडल मिल जाएगा। एंड इस तरफ आपको यहाँ पर ये फ्रंट सीट्स को एडजस्ट करने के लिए बटन्स भी दिए हुए हैं, तो जो भी पैसेंजर यहाँ बैठे हैं अगर उन्हें दिक्कत हो रही है, किसी तरह के कम्फर्ट इशूज़ हैं, तो वो इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड इसका रिक्लाइन एंगल पीछे से ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रंट रो के बारे में। कुछ इस टाइप से है इसका डोर ट्रिम, यहाँ पर आपको विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एंड इसके अलावा आपका ORVM के कंट्रोल, इधर आपका जो हैंडल है ये सिल्वर सैटिन फिनिश में, इधर आपका बोस के स्पीकर्स, यहाँ पर आपका स्पेस बॉटल होल्डर वगैरह, एंड इधर आपको ट्विटर्स मिल जाएंगे। एंड इसके नीचे अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको मेमोरी सीट्स मिल रही हैं, एंड कुछ इस टाइप से आप 1 और 2 इसमें सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका 10-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स हैं, यहाँ पर इसका आप रिक्लाइन एंगल वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रिकली ही एडजस्ट कर सकते हैं। एंड फ्रंट सीट्स आपकी ड्राइवर एंड को पैसेंजर दोनों ही वेंटिलेटेड हैं, एंड इसके अलावा हीटेड सीट्स दी हुई हैं। इसके अलावा इनकी अगर यहाँ पर लेदर वगैरह की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड एक चीज़ आप देखेंगे जो कि इसको प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बनाता है, यहाँ पर भी सिल्वर सैटिन फिनिश यूज़ की हुई है। इसके अलावा आपको कुछ इस टाइप से हेडरेस्ट मिल जाएंगे इसके। एंड एक चीज़ और, इस जगह पर आपको सिल्वर CA टिसॉन की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पर कुछ इस टाइप से मिल जाती है इसकी कीज़। यहाँ पर लॉक अनलॉक होल्ड टू बूट रिलीज एंड होल्ड टू स्टार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो फटाफट से इसको ऑन कर लेते हैं, कीज़ को मैं साइड में रख देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से ये ऑन हो जाती है टेन टेन करते हुए। एंड यहाँ पर अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ इस टाइप में आपका बटरफ्लाई स्टाइल है भाई, स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, इधर आपका टेलीफोनिक कंट्रोल हो जाएंगे, इधर आपका क्रूज कंट्रोल है, एंड आपका ये लेदरेट स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। एडजस्टमेंट की बात करें यहाँ पर तो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही मिल जाते हैं इसमें। एंड इसके अलावा इधर आपका वाइपर का स्टॉक है, ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प का भी स्टॉक मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको दिखाऊं कुछ इस टाइप से है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पूरा 10 इंच का आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इधर आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा, इधर आपका RPM मीटर हो जाएगा, बाकी आपको इसके अलावा इसमें डिफरेंट डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिल जाएंगे, जैसे कि ईको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट है, एंड उसके अकॉर्डिंग इसका आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का पूरा कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्टिव लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा कूल है यहाँ पर देखें तो। जैसे ही स्पोर्ट मोड में आएंगे पूरा ये रेड रेड सा हो जाएगा, एंड इसके अलावा ईको में ब्लू कलर में, एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप से नॉर्मल में आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से है इसका डैशबोर्ड, एंड यहाँ पर आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, इधर आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे, एंड इधर भी आपको ये कुछ इस टाइप से AC वेंट्स मिलेंगे। पूरा इसमें हिडन सा लगता है, पता ही नहीं चलता है कुछ, जैसे यहाँ पर AC वेंट है या नहीं, या नॉर्मल सा उसी डिज़ाइन में ही इसको कंबाइन कर दिया गया है। ऊपर आपको सबवूफर मिल जाएगा, एंड ये आपका इसका 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, पूरा ये टच में ही है, एंड इसमें आपका एप्पल कारप्ले एंड
एंड्रॉयड ऑटो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको टच से तो यूज़ ही कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर भी सारे बटन्स दिए हुए हैं, तो आप इनका यूज़ करके भी सारी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। इधर से इसको ऑन ऑफ और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, एंड नीचे आपको USB पोर्ट मिल जाएगा, इधर 12 वोल्ट का सॉकेट एंड एक और USB पोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाएगा, एंड ये आपका 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है, एंड कुछ इस टाइप से इसका गियर नॉब है। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे, उसके अलावा इधर आपके वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। इस बटन को प्रेस करते ही आप देख पाएंगे कुछ इस टाइप से है इसका 360 डिग्री कैमरा, तो आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स इसके देख सकते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा अगर क्लैरिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। इस तरह से कुछ आपको इसकी गाइडलाइंस मिल जाएंगी, एंड उसके अलावा ऑटो होल्ड का फीचर भी है इसमें। यहाँ से आप इसके ड्राइव मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें, एंड इधर आपकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स मिल जाएंगी। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा आर्मरेस्ट के नीचे, एंड ये भी पूरा लेदरेट और स्टिचिंग में दिया हुआ है। उसके अलावा इधर आपको IRVM मिल जाएगा, ऑटो डिमिंग है, एंड इधर आपका टिकट होल्डर ये वैनिटी मिरर के साथ, एंड यहाँ पर लाइट्स इस साइड में अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर के साथ मिलता है, और यहाँ पर लाइट्स मिल जाएंगी, एंड इधर आपका कुछ इस टाइप से सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पर लाइट्स मिल जाएंगी, एंड यहाँ से अगर इसकी सनरूफ दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से बड़ी सी यहाँ पर सनरूफ इसकी मिल जाती है, काफ़ी मैसिव सी यहाँ पर देखेंगे आप तो इसकी सनरूफ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी पैनोरामिक सनरूफ बोलते हैं इसे। एंड इस साइड में आपको यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन एंड होल्ड टू बोट बूट रिलीज, एंड उसके अलावा ये आपका हेडलैम्प लेवलर मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पर, तो जो इसके हेडलैम्प वगैरह के स्टॉक हैं इसमें आपको कुछ इस टाइप से डिज़ाइन मिल जाएगी जो कि काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा बनाती है इसको, और ये चीज़ आपको इसमें वाइपर स्टॉक में भी मिल जाएगी। इसके अलावा अब अगर बात करें इस कार की सेफ्टी के बारे में, तो उसमें आपको यहाँ पर ABS विद ABD मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा, 6 एयरबैग्स हैं जिसमें आपको ड्राइवर पैसेंजर साइड कर्टन और एयरबैग्स मिल जाते हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, डाउन ब्रेक कंट्रोल, TPMS वगैरह, तो इस टाइप से काफ़ी सारे इसमें आपको सेफ्टी के फीचर्स मिल जाते हैं। अब अगर बात करें इसके इंजन के बारे में, तो कुछ इस टाइप से मिल जाता है इसका, काफ़ी हैवी सा यहाँ पर इसका ये बोनेट है, और इधर आपको इंसुलेशन वगैरह मिल जाएगा, एंड ये आपका यहाँ पर 2 लीटर का 16 वोल्ट DOHC इंजन है इसका, जो कि प्रोड्यूस करता है 156 PS पावर एंड 192 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो कुछ इस टाइप से इसका इंजन, एंड काफ़ी पावरफुल है इस SUV के लिए। तो ये थी सारी डिटेल हुंडई टिसॉन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग। तो ये आप टॉप एंड वेरिएंट देख रहे थे पेट्रोल में, तो इसका कॉस्ट है 31,25,000। इसके अलावा ये आपको डीजल में भी अवेलेबल हो जाएगी, उसमें ये 8 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है ऑटोमेटिक, एंड जिसका कॉस्ट है 35,46,000 के आसपास। तो ये थी सारी डिटेल हुंडई टिसॉन के बारे में। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।